डियर व्यूवर्स, यू आर वॉचिंग न्यूज़ टीवी 99। टुडेज़ न्यूज़, आज 8 जून 2018 को हमारे जानी मानी शख्सियत हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री अंजनी कुमार आईपीएस सर ने एक बहुत ही अच्छी स्पीच दी है, जिसमें खासकर इन्होंने सिटीज़न फ्रेंड्स और ऑफिसर्स को एक बहुत ही अच्छी बात बताई है, जिसमें इन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद एक खूबसूरत सिटी है, यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब का कल्चर है और इसमें 80 लाख से भी ज़्यादा घरां हैं। और यही नहीं बल्कि इन्होंने कहा कि यह अपने मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ज़रिए नए नए इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, बहुत सारे जगहों पर यहाँ पर से लोग आकर बिज़नेस करते हैं और अलग अलग शहरों से लोग आकर ख़दीम चीज़ें देखते हैं और शहर व तफरी करते हैं। यही नहीं बल्कि इन्होंने कहा कि जो लोकल हैदराबादी लोग हैं, ये लोग खुद आकर हमारे हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री अंजनी कुमार आईपीएस सर से कहा कि जो लोग रैली निकालते हैं, खासकर जो बाइक्स पर रैली निकाली जाती है, इसकी वजह से बहुत ही तकलीफ़ और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और हमारे हैदराबाद और हैदराबाद में रहने वाले लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। खासकर इसकी वजह से ट्रैफिक जमा हो जाती है, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और साथ में इन्होंने पर्सनली ही पुलिस डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसरों से रिक्वेस्ट की है कि ऐसी कोई भी रैली, चाहे वो कौन से भी डिपार्टमेंट की हो, खासकर बाइक्स रैली का परमिशन ना दे और जो ऑर्गेनाइज़र करते हैं प्रोग्राम्स बाइक्स रैली निकालने का, उन लोगों को भी परमिशन ना दे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और इन्होंने खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसरों से कहा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ का एरिया में इम्प्रूवमेंट लाना हमारा फ़र्ज़ है और अच्छे से अच्छा देखना हमारा काम है। और साथ में इन्होंने आवाम से भी अपील की है कि हम सब एकजुट बने रहे, एक साथ बने रहे, ताकि शहर हैदराबाद अच्छा बन सके और एक ग्लोबल सिटी कहला सके, और जिसके कारण ये सब तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह के खासकर स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट या हॉस्पिटल पेशेंट्स को जो तकलीफ़ उठानी पड़ रही थी, इसकी वजह से शायद इन्हें तकलीफ़ ना उठानी पड़ेगी और वो इसकी वजह से खुशी भी महसूस कर सकेंगे। ये हमारी प्रेजेंटली जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और यहाँ पर आने वाले दूसरे शहरों के लोग भी इन्हें देखकर खुशी महसूस कर सकें। ऐसी ही ख़ास खबरों के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ टीवी 99 से। माय डियर ऑफिसर्स, फ्रेंड्स and fellow citizens of Hyderabad, I wanted to share a concern with you all. Our beautiful city of Hyderabad is also the fourth largest city in the country. It houses more than 80 lakhs people and is marching ahead in economic development, which has been bringing new investments. A large number of tourists and businessmen coming from outside, or for that matter, even local Hyderabadis, often tell me that processions and rallies affect their movement in the city very badly. They all are very particular and very against motorcycle or bike rallies. Friends, can we gradually move towards a better scenario in the city, when common public is not put to inconvenience because of such bike rallies, processions and other things? I urge my colleague police officers to persuade, to request all organizers that they should not take out any bike rallies or should not even apply for any bike rally permission, as it causes huge inconvenience to common citizen. It has to be our collective responsibility to improve the living condition of our citizens, those who are staying and visiting Hyderabad. Friends, let us join hands and work together to make our lovely city of Hyderabad free from such bike rallies. Your school and college going children will be happier. Their friends will be happier. All patients and their attenders going to hospitals will be happier. With these small efforts, we will make our city a better place for our children, for the next generation. May God bless our city with happiness. Anjani Kumar, Commissioner of Police, Hyderabad. This news is sponsored by Khalam Girls Junior College, ladkiyon ki taleem ka miyari markaz, जहाँ बहुत ही उम्दा माहौल में तालीम दी जाती है।
highly trained faculty ki zair nigrani CEC, MEC, MPC, BIPC courses chalaye ja rahe hain. Mukammal angrezi mahol aur taleem ke alawa educational field trips aur awareness programs, transport facility ki sahulat ke saath musalsil 4 saal se lagatar 100% kamyab nataij. Daakhle jari hain, aaj hi tashreef laiye apne ladkiyon ke roshan mustaqbil ke liye aapka apna idara Khalam Girls Junior College. Mazid tafseelat ke liye DRDL Road Babanagar aur Tarban Road Naz Anas Model High School.